जीवन रूपी इस सागर ने हमको भाटा ज्वार दिया है, किंतु नम्र निवेदन को सागर ने कब स्वीकार किया है? पता है आपको, भगवान राम ने जब लंका जाने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी, समुद्र से प्रार्थना की थी, समुद्र ने अनसुनी कर दी, तब भगवान राम को गुस्सा आया था। तब पढ़ता हूँ, जीवन रूपी इस सागर ने हमको भाटा ज्वार दिया है, किंतु नम्र निवेदन को सागर ने कब स्वीकार किया है? अरे जिसने सागर के सीने पर आगे बढ़कर वार किया है, पढ़ लो तुम इतिहास पुराना, उसने सागर पार किया है। एक ऐसा कलमकार जो सागर को पार करने की क्षमता रखता है, नाम होता है राणा मुनि प्रताप। जो हाथरस से आपके बीच में जोरदार तालियां बजाओ, अब भगत सिंह की आवाज, चंद्रशेखर की आवाज उसके पास होती है और परिणाम ये होता है कि देश हमारा आजाद होता है। आप आजादी के नाम पे ताली बजा दीजिए भाई, राणा मुनि प्रताप आपके बीच में। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों में कितनी ऊर्जा शेष बची हुई है। सिद्ध बाबा की, सिद्ध बाबा की। मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ यहाँ कितने राष्ट्र भक्तों की उपस्थिति है और कितनी ऊर्जा आपके अंदर बची है। यह चार पंक्तियां तय करेंगी मैं इस माइक पर कितनी देर काव्य पाठ करने वाला हूँ। पंक्तियां मंच को भी सौंपना चाहता हूँ। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भीमे काम करता नहीं। हेलो, पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत, पढ़ो। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भीमे काम करता नहीं। जिस नाम में हो उन्माद की झलक मुनि, भूल कर भी मैं ऐसा काम करता नहीं। और कटुता कलुषता से दूर है हमारा घर, अवध नवाबों जैसी शाम करता नहीं। और राणा महाराणा का मैं वंशज हूँ, इसीलिए देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऊर्जा आपकी थोड़ी कम है, इस ऊर्जा को थोड़ी और बढ़ाना, ये इस देश की बड़ी विडंबना है कि इस देश के स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को उसी के देश में झुकाने की बात की जाती है, उसी के देश में उसको जलाने की बातें की जाती हैं। उस तिरंगे झंडे के सम्मान में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, आपके हाथ उठने चाहिए उस तिरंगे झंडे के सम्मान में। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। और लखन सा अनुराग, मिथिले से सा विराग, त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे। बहुत आभारी, यही ऊर्जा चाहिए आपकी। बहुत बढ़िया। खुले मंच के माध्यम से माता भारती को अपशब्द कहे जाते हैं इस देश में, खुले मंच के माध्यम से माता भारती को गालियां दी जाती हैं, और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा यश भारती जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उनको जवाब देना चाहता हूं तो कहीं जेएनयू से आवाजें उठने लगती हैं। उनको आवाज देना चाहता हूं, उसको ललकारना चाहता हूं इस गांव की पावन सरजमी के माध्यम से। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपकी तालियां उनके गालों पर तमाचा मारने का काम करेंगी। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें मीच लेंगे हम। मुनि माता भारती के हम लाडले सपूत, रक्त देके सूखी क्यारियों को सींच लेंगे हम। और जो भी इस देश में करेगा द्रोहिता की बात, कपड़ों से पटक पटक फींच लेंगे हम। और बोलेगा जो अपशब्द माता भारती के लिए, कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। बहुत बढ़िया। कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। कुछ देश द्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, कुछ देश द्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है। भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है। कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, जो क्रूर कासिमों के जैसा जज्बात जगाए बैठे हैं। जो समझ नहीं पाए अब तक इस धरती की परपाटी को, जो समझ नहीं पाए अब तक इस धरती की परपाटी को, जो समझ नहीं सके अब तक राणा की हल्दी घाटी को। रण कौशल याद नहीं उनको उस झांसी वाली रानी का, पग पग पर जो अपमान कर रहे माँ गंगा के पानी का। जय चंदों के सड़न कोई हम सफल नहीं होने देंगे, भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे। भयभीत कभी ना होंगे हम तैमूरों से, चंगेजों से, सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमसे हिसाब लेने वालों तुमको हिसाब देना होगा, हमसे हिसाब लेने वालों
अब ऊर्जा चाहता हूँ आपकी। हमसे हिसाब लेने वालों, तुमको हिसाब देना होगा। जो प्रश्न खड़े उन प्रश्नों का तुमको जवाब देना होगा। जिनने अपनापन दिया तुम्हें, तुमने जहरीले दंश दिए। जिनने दी तुम्हें सहजताएं, तुमने उनको विध्वंस दिए। तुम गले लगाते रहे सदा छल छंदों को, रंगरेजों को। वो तुम ही थे जिनने सत्ता सौंपी हंसकर अंग्रेजों को। हम भुला नहीं सकते तुमने जो दिल सौंपे थे गारत के। वो तुम हो जिसने सारथवश टुकड़े कर डाले भारत के। यह देश तुम्हारा नहीं, यह तुम एक आक्रमणकारी हो। रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया मुनि राणा प्रताप, बहुत बढ़िया, बहुत आवर, बहुत ऊर्जा से सुन रहे हैं आप। निश्चित रूप से इसी ऊर्जा के साथ आप विदा करेंगे मुझे। रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी हो। सुने हमारी बात आह का राग जगाने वाले, सुने हमारी बात आह का राग जगाने वाले, सुने हमारी बात चाह का गला दबाने वाले, सुने हमारी बात अकबरी संग रचाने वाले, भारत माता का हरदम सम्मान घटाने वाले, सुने हमारी बात देश में आग लगाने वाले, भारतीयता के दामन में भी दाग लगाने वाले। सुघर क्यारियों में नफरत के बीज न बोने देंगे, देशभक्ति जो जाग उठी अब उसे न सोने देंगे। एक नहीं अनगिनत कौरियों की सेना हो, लेकिन हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। मेरे सामने मेरे युवा भाई उपस्थित हैं यहाँ पर। अपने युवा भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ मेरी माताएं बहनें भी उपस्थित हैं। एक निवेदन आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ। ये देश को कौन बचाएगा? ये देश किनके हाथों में जाना चाहिए? यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। एक निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। कालिया को नाथ ना जो चाहते हो कृष्ण जैसा, तो यमुना की ओर गेंद अपनी उछाल दो। सीता का हरण कोई करे उससे प्रथम, बेटियों के हाथ में कटार और ढाल दो। और समय नहीं है अब शांत रहने का। अब माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। एक कविता विशेष रूप से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ मंच पर वाणी पुत्र उपस्थित हैं। जैसा कि बताया गया है, यहाँ प्रथम बार कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाए। हम एक विशेष निवेदन करना चाहता हूँ और एक दृष्टता करना चाहता हूँ इस मंच पर। कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाएं हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाएं हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवा रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया। बात है, माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया। कवियों को कोई कुछ भी समझता रहे, लेकिन ये वाणी पुत्र कौन है? बहुत बढ़िया, वाह, ये वाणी पुत्र कौन है? इनको चाहे कोई भी किसी भी नजर से देखता रहे, लेकिन ये वाणी पुत्र क्या है? एक सच्चाई कहता हूँ, एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ आपको। ये वाणी पुत्र कौन है? बुंदेलखंड में एक जगह है भिजावर, वहां के एक कवि हुए हैं हरिनाथ जी। वो जयपुर के राजा के यहाँ दरबारी कवि थे। तो एक बार राजा साहब तालाब के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे, तभी वहां से कवि महोदय का निकलना हुआ। राजा साहब ने हंसी ठिठोली करते हुए कवि महोदय को कहा, कवि महोदय, मैं तालाब से मछलियां पकड़ रहा हूँ, इस विषय पर आपकी कविता क्या कहती है? तो कवि तो कवि होता है साहब, कवि महोदय ने भी कह दिया, राजा साहब आप भले ही मछलियां पकड़ रहे हो, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से कबूतर फंसेगा। राजा साहब एकदम चौंक गए, सन्नाटा रह गए। राजा साहब ने कहा, ये क्या कह रहे हो? अगर इसमें से कबूतर नहीं फंसा तो हो सकता है अगले दिन मैं तुम्हें दंड के विधान में फांसी की सजा भी दे दूं।
कभी महोदय ने कहा ठीक है मुझे आपकी ये सजा स्वीकार है, लेकिन एक शर्त मेरी ये है कि जब उसमें से कबूतर निकल करके आएगा तो उस कबूतर को आप मुझे दे देंगे। राजा साहब ने कहा हो सकता है दंड के विधान में मैं तुम्हें फांसी की सजा सुना दूं। कभी महोदय ने कहा मेरी एक शर्त है, जब कबूतर निकल करके आएगा तो उस कबूतर को आप मुझे दे देंगे। कभी राजा साहब ने कहा वो कबूतर आपका हुआ। यकीन मानना, जब उस तार को खींचा गया जो राजा साहब जिसमें से मछलियां पकड़ रहे थे, जब उस तार को खींचा गया तो उसमें से फड़फड़ाता हुआ कबूतर ही बाहर निकला। तो उस शर्त के मुताबिक राजा साहब ने वो कबूतर कवि महोदय को दे दिया। जब कवि महोदय हरनाथ जी जब उस कबूतर को अपने घर लेकर के आए, तभी उसी कबूतर में से माता सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कवि महोदय सोच समझ कर बोला करिए, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बात रखने के चक्कर में मुझे कबूतर भी बनना पड़ता है। ये कवियों की ताकत। निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है, अपनी कमजोरियां पढ़ने का काम कर रहा हूँ। हम उदासीन ना होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे, हम उदासीन ना होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे, अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने, सत्ता जिनके हाथों में थी मकारी की मकारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा, हमने अपनी औलादों को हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। क्या बात है, अरे वाह भाई, रोक नहीं पाए, वाह वाह वाह, ये है बहुत बढ़िया, हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। यदि हमने साथ दिया होता दद्दू, यदि हमने साथ दिया होता, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, तो अंग्रेजों को असर दिखा देते भारत के पानी का, हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते, उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनि भरा लेते। गोरों से अपने घर का पानी हम मुनि भरा लेते, और हम युवाओं पर क्या क्या आरोप लगे, जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ। जब किया आक्रमण बाबर ने, हम सब मस्ती में डूबे थे, पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे, हम जिन्हें लगाया करते थे अपने नगरों की गस्ती में, वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में, अरे वे क्या समझेंगे सच्चाई, जिनका दिमाग है फिरा हुआ, नापाक पाक नेपाल चीन इन सब से भारत घिरा हुआ, अपना कर्तव्य निभाए हम भय हमको नहीं जमाने का, हम ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने का। क्या बात है, वाह 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 भाई वाह वाह। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं बर्बाद हम कैसे हुए। इस कविता के चक्कर में यकीन मानना मैंने पूरे देश भर में गालियां खाने का काम किया है, लेकिन फिर भी एक सच्चाई इस मंच के माध्यम से पढ़ने का काम कर रहा हूँ। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं बर्बाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं ये देश क्यों बांटा गया, निर्णय करें क्यों वृक्ष की शाखाओं को छाटा गया, निर्णय करें पंडित निकाले क्यों गए कश्मीर से, निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से, निर्णय करें कश्मीर क्यों ना ले सके हम पाक से, निर्णय करें डरते रहे क्यों चाइना की धाक से, निर्णय करें हम एक चदोवा क्यों नहीं तनवा सके, निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। वाह 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 वाह।